तुर्की और सीरिया में भूकंप से हालात बदतर होते जा रहे हैं। अब तक कुल 9,655 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 25,000 के करीब पहुंच गई है। दोनों देशों की मदद के लिए 70 से भी ज़्यादा देश आगे आए हैं। भूकंप का एपिसेंटर तुर्की था। इसे देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स 10 फीट यानी 3 मीटर तक खिसक गई है। दरअसल तुर्कियों में 3 टेक्टोनिक प्लेट के बीच बसा हुआ है। ये प्लेटलेट जो एनोड्रेसिक टेक्टोनिक प्लेट्स यूरेशियन और अरबियन प्लेट है। एक्सपर्ट के मुताबिक एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट और अरबियन प्लेट एक दूसरे से 225 किलोमीटर दूर खिसक गई हैं। इसके चलते तुर्की अपनी भौगोलिक जगह से 10 फीट खिसक गया है। इटली के सिस्मोलास्टिक डॉक्टर कार्लो डिलोगनी ने बताया है कि टेक्टोनिक प्लेट्स में हुए इस बदलाव के चलते हो सकता है कि तुर्की सीरिया की तुलना में 5 से 6 मीटर यानी 20 फीट और अंदर धंस गया हो। उन्होंने कहा, हालांकि जानकारी शुरुआती डेटा से मिली है, आने वाले दिनों में सैटेलाइट इमेज से सटीक जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल आप देखते रहिए सबसे तेज न्यूज। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।